ये वाली ब्लैक फॉरेस्ट केक सिर्फ 15 मिनट में बनी है। इसका लुक तो बहुत बढ़िया है ही, एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी है ये केक। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसको बनाने में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट लगे हैं। तो रेसिपी शुरू करें। और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? केक किसे नहीं पसंद, लेकिन बनाने में इतनी मेहनत लगती है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। आज हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे, जिसका टेस्ट एकदम सिमिलर रहता है बेकरी वाली केक के जैसे, लेकिन ये सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एकदम इजी तरीके से बनाएंगे घर में आइसक्रीम ब्लैक फॉरेस्ट केक। रेसिपी शुरू करें। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को बर्बन बिस्किट लगेगा। मैं ब्लैक बर्बन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका टेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक में ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आप रेगुलर ब्राउन वाला भी यूज़ कर सकते हो, और फिलिंग भी आप वाइट भी रख सकते हो, ब्राउन भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और आपको पता ही होगा मैंने क्यों बर्बन बिस्किट यूज़ किया, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीनी भी रहती है, साथ में क्रीम भी रहती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जो कि है इनको क्रश करना। इसके लिए मैंने एक थैली ली है, और ये थैली के अंदर मैं ये बिस्किट डाल दूंगा, मतलब जिपलॉक बैग के अंदर मैं ये बिस्किट डाल दूंगा, सील कर कर अब हम लोग इसको क्रश करेंगे। और वैसे दोस्तों आप वाइट क्रीम वाला भी यूज़ कर सकते हो, ब्राउन क्रीम वाला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चाहो तो ओरियो भी यूज़ कर सकते हो। इसको क्रश करने का मेथड ये है कि आपको इसको दरदरा रखना है, मतलब कुछ मोटा रखना है, कुछ पतला रखना है, एकदम मिट्टी जैसा नहीं कर देना, मतलब आप इसको मिक्सी में नहीं पीस सकते हो, हाथ से ही क्रश करना पड़ेगा। ऐसी कंसिस्टेंसी करनी है दोस्तों, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत बिस्किट बड़े टुकड़े में है, थोड़ा बहुत बिस्किट पतले टुकड़े में है। मैंने पूरे 3 पैकेट बिस्किट को ऐसे क्रश कर लिया है, मतलब 300 ग्राम के आसपास है ये। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। बिस्किट तैयार है, मतलब हम लोग की केक तैयार हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जो कि है ट्रे को तैयार करना। आप कोई भी ऐसा 7 इंच का यूटेंसिल यूज़ कर सकते हो, मतलब स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हो, डब्बा यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर केक टिन हो तो आप ऐसी केक टिन यूज़ कर सकते हो जिसका नीचे का हिस्सा निकल जाए। इसको स्प्रिंग फॉर्म केक टिन बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, आप बटर पेपर भी लगा सकते हो, वैसे ये लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये लगाने से क्या होता है, केक जल्दी से निकल जाती है। अब बाकी के 2 और इंग्रेडिएंट जो लगेंगे आपको, वो है चेरी, मैंने यहाँ पर रेड चेरी यूज़ करी है, और साथ ही में क्रीम, मतलब आइसक्रीम। तो मेरे पास यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री वाली है, मतलब 1.4 लीटर आइसक्रीम है ये टोटल मिलाकर, लेकिन हम लोग को इस रेसिपी में 1.2 लीटर ही लगेगी मैक्सिमम दोस्तों। अब शुरू करते हैं रेसिपी। जो हम लोग का डब्बा है उसके ऊपर हम लोग बिस्किट का पाउडर डाल देंगे, मतलब चूरा डाल देंगे। आप देख सकते हो कैसे मैं इसकी एक लेयर बना रहा हूँ। ये जो पाउडर है जब आइसक्रीम के साथ मिलेगा ना, तो इसमें बाइंडिंग आ जाएगी और ये बिल्कुल केक जैसा हो जाएगा। पाउडर के ऊपर हम लोग आइसक्रीम डाल देंगे। आप देख सकते हो कैसे मैं आइसक्रीम को काट काट कर डाल रहा हूँ, आप चाहो तो चम्मच से भी निकाल कर डाल सकते हो। आइसक्रीम की भी एक आपको लेयर बनानी है, बिल्कुल ऐसे दोस्तों, ऐसी लेयर बनानी है। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर आप 2 चम्मच इस्तेमाल करो, साथ में थोड़ा सा पानी जिसमें आपने चम्मच को डिप करके रखा हो, तो ये आइसक्रीम डालने का स्टेप एकदम आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप देख ही रहे हो, मैंने इसके ऊपर फिर से बिस्किट डाला है, अच्छी सी लेयर बना दी, उसके ऊपर फिर से आइसक्रीम फैला देंगे। अभी आप देख सकते हो मैंने 2 चम्मच यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं बारी बार उसको पानी में धो रहा हूँ, उससे क्या होता है फैलाना बहुत इजी हो जाता है। आइसक्रीम और बिस्किट की क्वांटिटी आपके ऊपर दोस्तों, अगर आपको कम पसंद है तो कम डालिएगा, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा। लास्ट में इसको अच्छी तरह फैला दीजिएगा। इसके ऊपर हम लोग अब डाल देंगे थोड़ा सा और बिस्किट का पाउडर। अब इसको सजाने के लिए मैं चेरी लगा रहा हूँ, आप चाहो तो बीच में, मतलब बिस्किट के ऊपर भी थोड़ी बहुत चेरी काट कर डाल सकते हो। लग रही है ना बिल्कुल बाजार वाली ब्लैक फॉरेस्ट केक। आप इसको अभी भी काट कर खा सकते हो, या फिर अगर आप इसको है ना लगभग 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखोगे ना, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर आपके फ्रीज़र में टेम्परेचर की सेटिंग हो तो आप उसको -14 डिग्री सेंटीग्रेड में रखिएगा, या फिर अगर नंबर वाली सेटिंग हो तो 1 या फिर 2 में रखिएगा, या फिर आप जो भी सेटिंग रख लीजिएगा जिसमें आपकी आइसक्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट रहती हो। 2 घंटे बाद हम लोग आइसक्रीम को निकालेंगे, और फिर इसको
इस डब्बे से निकालने की तैयारी करेंगे, उसके लिए मैंने एक छोटा सा चाकू लिया है, इससे मैं इसके कोने लूज़ कर दूंगा। शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार लूज़ हो गया फिर तो आप इसको एक बार में निकाल पाओगे। जैसे आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको लूज़ करके निकाल लिया। अब इसको बिल्कुल बाज़ार वाला ब्लैक फॉरेस्ट का लुक देने के लिए मेरे पास वही बिस्किट का पाउडर है, इसको मैं केक के चारों तरफ लगा दूंगा। अगर आप केक को एक हाथ में उठाकर ऐसे ऐसे चिपका पाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जो भी हो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह इसमें लगा दिया है, इसमें महीन वाला पाउडर लगाइएगा और फिर आपकी केक बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बस इतना ही काम करना है दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो तो जिसका बर्थडे है वो करेगा ना, तो अभी मैं खुद ही काट रहा हूँ। मेरा बर्थडे तो नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये काट कर दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कैसे हम लोग का चाकू, मतलब रेगुलर किचन में जो यूज़ होता है वो वाला चाकू, एक बार में इसको काट पा रहा है। मैंने इसमें कोई भी शेफ़ वाला नाइफ़ या फिर ज़्यादा धार वाला नाइफ़ नहीं यूज़ किया है, रेगुलर वाला नाइफ़ था, एक बार में कट गया। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम की केक है तो ये कड़ी हो, सॉफ्ट है। साथ में जो हम लोग ने बिस्किट यूज़ किया है ना, वो भी सॉफ्ट हो चुका है। रीज़न क्यों, वो आइसक्रीम की नमी की वजह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। जो भी हो दोस्तों, आप भी बनाइए ये 15 मिनट में बनने वाली ब्लैक फॉरेस्ट केक, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और मनाइए 2 मिलियन से ज़्यादा चटोरों की फैमिली क्रॉस होने की खुशियाँ। एक और अच्छी बात क्या है दोस्तों, रेगुलर केक मतलब क्रीम वाली केक तो 3 दिन 4 दिन चलती है मैक्सिमम, ये वाले केक तो आप 15 दिन तक भी चला सकते हो फ्रीज़र में। लेकिन अगर आपने बिल्कुल मेरे जैसे बनाया तो ये टिकेगी नहीं उतने दिन। वैसे आप सोच रहे होगे कि आइसक्रीम से बना तो बहुत हार्ड होगी ये केक, लेकिन नहीं दोस्तों, आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया है, फ्लेवर एकदम धमाकेदार है। तो आप भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए, पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा। मिलता हूँ आपको जल्दी एक और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करना। उससे क्या होगा, आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। और हाँ, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के ग्रे होने के बाद आपको बगल में घंटी भी दिखेगी, उसको भी दबा देना। फेसबुक में देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।